मणिपुर को लेकर सबने पहले आपने ही सवाल उठाया था, आपकी पार्टी ने कहा था कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर क्यों नहीं जा रहे मणिपुर, और अभी भी मणिपुर में इसी तरह के हिंसा। कल देश के गृहमंत्री दो दिन से मुंबई में बैठे हैं, राजनीति कर यहां वहां घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मुंबई में नहीं आना चाहिए, लेकिन देश की जो हालत है मणिपुर में, तो सबसे पहला काम गृहमंत्री का होता है मणिपुर में जाकर बैठे। यहां लालबाग के राजा में गए और गए, वहां गए राजनीतिक बैठक ली, चुनाव की तैयारी का जायजा लिया, सब कुछ किया, लेकिन मणिपुर की जो इंटरनल सिक्योरिटी है पूरी तरह से खत्म उध्वस्त हो गई है। हा? रॉकेट के हमले हो रहे, ड्रोन से हमले हो रहे, बॉम्ब के हमले हो रहे, ये तो युद्ध स्थिति है। ऐसे में देश का गृह मंत्रालय, वो आपके कौन आए हो, नेशनल एडवाइजर सिक्योरिटी जेम्स बॉन्ड, वो कहां है? वो यूक्रेन का युद्ध खत्म करने के लिए जाएंगे, आप इसराइल में जाएंगे, मोदी जी यूक्रेन और रशिया का युद्ध बंदी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, यूक्रेन में चले गए, युद्ध भूमि पर क्या फोटो आए, युद्ध भूमि पर मोदी चल रहे हैं, मणिपुर के सड़क पर चल के दिखाइए, मणिपुर के सड़क पर देखिए क्या हो रहा है, खुलेआम गोलाबारी, खुलेआम तोहफे चल रही है, बंदूकें चल रही है, बच्चों के ऊपर गोलियां चल रही है। हाँ, राजनीतिक जो लीडर है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और देश के गृहमंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो विश्वगुरु है, हाँ, जो अपने आप को ईश्वर का अवतार मानते हैं, भगवान मानते हैं, भगवान चुप बैठा है, लाशें देख रहा है, लाशें गिन रहा है, ये क्या है? उसका जवाब है कोई इस सरकार के पास? और उसके लिए जिम्मेदार अगर कोई होगा इस बार तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये दो नेता इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, जिसने ये घटिया लोगों के हाथ में देश, नागपुर में जो हिट एंड रन का केस हुआ है वो बहुत ही खतरनाक केस है। मैं कौन किसका बेटा है बाप आए ने बात नहीं करूंगा, कानून सबके लिए समान है, ये मोदी जी बोल रहे हैं ना, ये मोदी जी की बात है, कानून के ऊपर कोई नहीं, तो कानून के ऊपर ये संकेत चंद्रशेखर बावनकुड़े क्यों है? क्योंकि उसका बाप बीजेपी का बड़ा नेता है, दारू पीकर गाड़ी चला रहे थे चार लोग, नशे में धुत थे, कंट्रोल के बाहर उसने नशा की थी, तो आपने इतने लोगों को मारने की कोशिश की, तो जख्मी है जो अस्पताल में है उसके गाड़ी में एक खाने पीने का बिल मिला है, पुलिस के पास है, पुलिस शायद वो डिस्ट्रॉय कर देंगी, पुलिस को बोलिए उनको, जो कमिश्नर है ना नागपुर के, या रश्मि शुक्ला जो आरएसएस के लेडी वहां बिठाई है डीजी, उनको बोलिए हिम्मत है, आप सचमुच कानून के रखवाले हो तो वो बिल जनता के सामने लीजिए, उसमें लिकर का बिल है, दारू, खाने पीने का बिल है नॉनवेज, उसमें बीफ कटलेट भी खाया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं किसने क्या खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बीफ कटलेट खाया है, हमको सिखाते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बीफ रखना और बीफ खाना, उसके वजह से आप सड़क पर लोगों का मॉब लिंचिंग करते हो, ट्रेन में मॉब लिंचिंग करते हो मुसलमानों का, और आपके बिल में बीफ कटलेट का जिक्र है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को हिसाब और जवाब देना पड़ेगा।